पहले तो फिगर ही बना लेता हूँ मैं, जो इन्होंने फिगर दी है। हाँ सर ब्लर दिख रहा है। ये दिखाई दे जाएगा, ठीक अभी ठीक दिखाई दे रहा है। अभी ठीक है, यस सर। ओके। ए डी ओ और यहां पर है बी और यहां पर सी है। एक तो ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में क्या क्या दे रखा है वो देखिएगा। गिवन गिवन यहाँ फिगर में दे रखा है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये जो डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब क्या करो, हमें तो जब भी कभी कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने होते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल। तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखिएगा इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे। बेटा एक मिनट वेट करें सभी बच्चे, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल कैसे प्रूव हो सकते हैं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं एक दूसरे के सिमिलर प्रूव कर दूं तो ये एंगल्स बराबर हो सकते हैं। लेकिन कौन से एंगल, मतलब किस तरीके से सीक्वेंस क्या होना चाहिए ट्रायंगल्स का, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले ये देखो, जो मुझे दे रखा है ना मैं उसी के हिसाब से समझूंगा इसको। जैसे इसमें हमें ये दे रखा है ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। तो लिखें ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है तो उनके जो रेशियो है वो बराबर होते हैं। तो जो रेशियो हम लेते हैं ना वो रेशियो कुछ इस तरह से लेंगे कि अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स उसमें इंक्लूड हो जाए, अलग अलग ट्राइंगल। तो देखो जैसे ये ओ ए इंटू ओ बी है तो ओ ए तो इस छोटे ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ऐसे ही इधर क्या है ओ सी इंटू ओ डी। तो ओ सी तो बड़े ट्राइंगल में है, ओ डी छोटे ट्राइंगल में है। तो छोटे ट्राइंगल वाला इधर क्या है ओ ए और इधर बड़े ट्राइंगल वाला क्या है ओ सी। तो ओ सी को इसके नीचे ले आओ। तो मैंने कहा ये हो गया ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, अब जो ये ओडी है ये ओडी छोटे ट्राइंगल में है तो छोटे ट्राइंगल वाला तो इधर ही रहने दो। अब ये जो ओबी बचा ये बड़े ट्राइंगल का, इसको इसके नीचे ले जाओ। ये हमको दे रखा है। आप देखो ओ ए अपॉन ओ सी का मतलब क्या है कि छोटे ट्राइंगल वाली साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल वाली साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड में ओडी अपॉन ओबी, तो OD अपॉन OB तो छोटे ट्राइंगल वाली साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल वाली साइड, ये हमने ले लिया। फिर आप ये देखो कि मैंने साइड कौन कौन सी ली है। साइड एक तो ये है OA और OC, ठीक है, और दूसरी
ओडी और ओबी, तो ओडी और ओबी, तो आप ये देखो छोटे ट्राइंगल वाली साइड कौन कौन सी है, ओए और ओडी, ओए और ओडी, इन दोनों के बीच वाला जो ये वाला एंगल है। इसी तरह से बड़े वाले ट्राइंगल की साइड देखो कौन सी ली है, ओसी और ओबी, ओसी और ओबी, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे। रीजन बताएंगे मुझे, रीजन बताएंगे ये एंगल इस एंगल के सर वीओए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, इसका रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अच्छा अब ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि जैसे OA अपॉन OC और OD अपॉन OB है, तो अब मैं इसको कौन सा क्राइटेरिया बोल दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना, क्योंकि छोटे ट्राइंगल वाली साइड देखो कौन कौन सी ले रहा हूँ, OA और OD, OA और OD है ना, और इन दोनों के बीच का एंगल ले रहे हैं। बड़े ट्राइंगल वाली कौन सी साइड ले रहे हैं, OC और OB, OC और OB, और इनके बीच वाला एंगल ये इक्वल हो गया। तो हम ये बोलेंगे ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, ये हो गया साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, वो सिमिलर किस तरह से होंगे वो देखना है। मैं यहां पर लिखूंगा भाई एस ए एस सिमिलैरिटी by SAS similarity criteria। अब देखो अब इसके बाद का जो काम है वो हमें रफ में करना होता है, तो रफ में कर लेना आप क्या लिखा है इधर, OA upon OC, कोई दो साइड का भी रेशियो अगर मुझे इक्वल दे रखा है तो उससे मैं सीक्वेंस बता सकता हूँ कि सीक्वेंस क्या होगा। जैसे ये है OA upon OC और ये क्या है OD upon OB, तो आप उन दोनों में देखो इसमें और इसमें है ना, अगर मैं ऊपर वालों को देखूं सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर को, तो इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, ओ, तो ओ को बीच में लेकर आना पड़ेगा। जैसे ये ओए है तो इसको एओ कर दो, ये हो गया एओ और ये ओडी, ठीक है, तो इधर एओ आ गया और इधर ओडी आ गया, तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो ट्राइंगल बन जाएगा एओडी। ऐसे ही ये है ओसी और ये है ओबी, तो इसमें O को बीच में लाना पड़ेगा, तो OC को लिख दो CO और इसको लिख दो OB। अब CO और OB को कंबाइन करेंगे तो COB बन जाएगा, ठीक है, तो यहां से मैं ये कहूंगा कि कौन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब यहां लिख रहा हूं ये काम तो मैंने रफ में किया, अब AO और OD को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया AOD, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू CO और OB को कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा ट्राइंगल COB। बताइए जी क्लियर है, क्लियर है दिशा दिव्यांशी अमन विदित, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए जब ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB सिमिलर हो गया तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स हैं उन पर जो एंगल बनेंगे वो एंगल भी इक्वल आएंगे। ये पहली प्लेस पर क्या है ए और इधर पहले प्लेस पर क्या है सी, तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो हम यहीं पर लिख देंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंड तीसरे प्लेस पर क्या है डी और तीसरे प्लेस पर क्या है बी, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव, मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, समझ गए बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस। चलिए जी ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर सेवन, एग्जांपल नंबर सेवन में है
देखते हैं एक मिनट। एग्जाम्पल सेवन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर सेवन में ये तो लैंप हो गया, इसको तो बोल दीजिए लैंप ए बी, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, ये 90 डिग्री है क्योंकि लैंप है वो सीधा ही तो खड़ा होगा, टेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं। फिर हम ये कहते हैं कि यहां से थोड़ी दूरी पर, कितनी दूरी पर, was walking away from the base of a lamp post as a speed of at a speed of 1.2 meter per second, ठीक है। तो एक गर्ल यहां पर खड़ी हुई है, इस गर्ल की हाइट इन्होंने दे रखी है 90 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आप समझिएगा ये तो लैंप है, ये गर्ल है, तो ए बी इसको बोल दीजिए सी डी और ई, ये दे रखा है सी डी और ई, गर्ल भी सीधी खड़ी होगी तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद अब देखिए क्योंकि ये लैंप पोस्ट है तो लैंप पोस्ट जो है ये तो नीचे तो पोल होगा, ऊपर तो लैंप लगा हुआ होगा, तो लैंप की जब रोशनी इस पर गर्ल पर पड़ेगी तो गर्ल की शेडो यहां पर बन जाएगी, ठीक है ना। तो गर्ल की जो शेडो की लेंथ है वो ये है डी ई, वो यही पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड्स। तो गर्ल पहले यहां पर खड़ी हुई थी, फिर वो धीरे 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 चलती गई, 4 सेकंड बाद मानो कि वो पॉइंट डी पर पहुंच गई। इन्होंने बोला कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एज एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो गर्ल इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द गर्ल इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट मींस इन 1 सेकेंड गर्ल वॉक्स 1.2 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 120 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर है। एक सेकेंड में उसका बोला 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 1.2 मीटर चलती है गर्ल, तो इसका मतलब वो एक सेकंड में कितना चल रही है, 120 सेंटीमीटर, समझ गए बताइए। यस सर, ये चीज क्लियर ना, एक सेकंड में वो इतना चल रही है तो 4 सेकंड में कितना चलेगी, इन 4 सेकंड्स गर्ल वॉक्स 120 into 4 480 सेंटीमीटर, वो 4 सेकंड में 480 सेंटीमीटर चल लेगी। तो इसका मतलब B से D तक की जो लेंथ है ये है 480 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लेंथ 480 सेंटीमीटर, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि आप D से E तक की लेंथ बताइए, तो D से E तक की लेंथ को हमने मान लिया X, इस लेंथ को हमने x मान लिया। अब ये x हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कहेंगे नाउ
इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी ई, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे हम. नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये बड़े वाला ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, पहली चीज तो ये होगी. उसके बाद ये जो बड़े वाला एंगल है, एंगल ए ई बी, ये इस बड़े ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, और एंगल सी ई डी ये इस छोटे ट्राइंगल में, मतलब सेम एंगल है दोनों, है तो एंगल ई ही. तो मैं लिखूंगा एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी कॉमन एंगल, देखिए दो एंगल इक्वल आ गए तो बस मुझे तीसरा एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा. और हमें तीसरा एंगल इक्वल दिखाने की भी या शो करने की भी जरूरत नहीं है, उसको डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ही बोल देंगे. जो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है उसको हम डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी आराम से बोल सकते हैं. तो मैं लिखूंगा भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. उसके ये आप समझ गए जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, कैसे लिखा है? यस सर. आप ये देखो कि जब दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल है ना, दो एंगल्स इक्वल है, तो वो जो दो एंगल्स हैं वो सेम पोजीशन पर लाई करने चाहिए. जैसे इसका एंगल बी और इसका एंगल डी, ये दोनों इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी ई में बी एंगल सेम पोजीशन पर लाई करना चाहिए. मैंने थर्ड पोजीशन पर लिख दिया बी, तो यहां पर भी मैं थर्ड पोजीशन पर ही डी लिखूंगा क्योंकि बी और डी इक्वल है. तो थर्ड पोजीशन पर बी, इधर थर्ड पोजीशन पर डी, फिर इन दोनों में ही एंगल ई जो है वो इक्वल है, तो एंगल ई को मैंने सेकंड पोजीशन पर लिखा. ठीक है, समझ गए? सभी को क्लियर है? देशांत, जी, विदित, अमन, बताओ. यस सर. यस. चलिए जी, तो ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए. जब सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. देखिएगा कैसे, हम ये कहेंगे पहले दूसरा अल्फाबेट ए ई, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट सी ई, तो लिखो ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ई बी और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ई डी, फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए बी और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट सी डी. तो ए ई अपॉन सी ई. अब ए ई देखो क्या है, ए ई मुझे नहीं पता, सी ई मुझे नहीं पता, छोड़ दो, जरूरत नहीं है. मेरे को तो कोई दो रेशो हो जाए वही काम कर देंगे, तो इन दो रेशो को ले लो आप. तो ई बी, ई बी ये जो ई बी है ये कितना हो जाएगा, 480 प्लस एक्स, तो लिखो 480 प्लस एक्स अपॉन ई डी. ई डी मतलब यहां से यहां तक ये कितना है, एक्स है, एक्स हो गया इज इक्वल टू ए बी. ए बी ये जो लैंप पोस्ट है ना, लैंप पोस्ट की हाइट दे रखी है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो 3.6 मीटर का मतलब हो गया 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर. तो ये हो गया ए बी, हो गया 360 अपॉन सी डी, कितना दे रखा है 90, जीरो से जीरो कट गया, 9 4 36. जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स, ये तो हो गया 4x, इधर 1 बचा 1 into this term, ये हो गया 480 plus x. अब x को इधर ले आओ, 4x minus x is equal to 480, तो 3x is equal to 480, तो 3 16s are 48 और ये 0 आ गया, तो x कितना आ गया,
160 सेंटीमीटर, मतलब उसकी गर्ल की जो शेडो की लेंथ है वो 160 सेंटीमीटर है, या 1.6 मीटर बोल दीजिए। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। ओके चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में फिगर दे रखी है, इन फिगर 6.33 सी एम एंड आर एन आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। चलिए जी, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं इसमें। पहले तो ये दो ट्राइंगल्स ही बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने दो ट्राइंगल दे रखे हैं, बनाता हूं मैं इसको। एक ये ट्राइंगल गिवन है, एक दूसरा ट्राइंगल है वो इधर बना रहा हूं मैं। इधर है P, ये है Q और ये है R। ये है N, इन्होंने बोला CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए, ट्राइंगल ABC के मीडियंस हैं CM और RN। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मीडियन क्या करता है? मीडियन जो ऑपोजिट वाली साइड है उसको बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो AM है और ये जो BN है ये दोनों इक्वल है, इसी तरह से ये जो QN है और ये जो PN है, PN और QN ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने दे रखा है इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर गिवन, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये दे रखा है कि ये सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है टू प्रूव ट्राइंगल एएमसी टू प्रूव ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर। एएमसी सिमिलर टू पी एन आर, मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए, ये प्रूव करने में अभी करते हैं, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका एक तो रेशियो इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, और उसके अलावा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे? देखो, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? PQ। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू दूसरा और तीसरा अल्फाबेट BC, दूसरा और तीसरा अल्फाबेट QR।
इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर, फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट एसी और पहला और तीसरा अल्फाबेट पी आर, ठीक है, एक तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, एंड ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एंगल ए यानी कि बीएसी लिख दो, मतलब जब एंगल निकालना एंगल लिखना होता है तो जो भी पोजीशन है, जैसे मान लीजिए ए है, तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी का एंगल ए लिख रहा हूँ तो इसको ए को ना बी और सी के बीच में लिख लेते हैं, तो मैं इसको एंगल बीएसी बोल दूंगा, तो एंगल बीएसी, ऐसे ये वाला जो पी है इसको बोल देंगे एंगल क्यू पी आर, सेमी कॉलन, फिर दूसरा अल्फाबेट बी ये ऑलरेडी बीच में ही लिखा हुआ है, दूसरा अल्फाबेट क्यू ये ऑलरेडी बीच में ही लिखा हुआ है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंड तीसरा अल्फाबेट है इधर सी और इधर तीसरा अल्फाबेट है आर, तो सी को लिखोगे ए और बी के बीच में, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो जब कोई दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर दे रखे होते हैं तो उससे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, इसको इक्वेशन टू, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इक्वेशन नंबर थ्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इक्वेशन नंबर फोर, ये हमारी चार इक्वेशन हो गई। उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूं आगे इसको सॉल्व, अब देखो अब इन्होंने क्या कहा है कि मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर, ठीक है। अब इसमें ना एक काम कर लेते हैं, देखो जैसे ये दे रखा है मुझे, इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे, जरा इक्वेशन वन इसको लिखते हैं दोबारा से, एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर, एबी अपॉन पीक्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ठीक है। अब आप देखिएगा जो ये AB है, अगर मैं AB में half multiply कर दूं, half AB, इसी तरह से ये जो PQ है इसमें half multiply कर दूं, मतलब half PQ, और ये as it is रहने दूं, BC अपॉन क्यू आर और तीसरा ए सी अपॉन पी आर, इसको एज इट इज रहने देते हैं। हाफ ए बी, हाफ ए बी का मतलब क्या, ए बी का आधा। मैंने क्या करा, ये जो ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है इसमें ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करने से क्या होगा देखिएगा, आप देखिएगा कि मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना है, एक तो लेना है ट्राइंगल ए एम सी और एक लेना है ट्राइंगल पी एन आर, तो ए बी के हाफ को मैं ए एम भी लिख सकता हूँ और बी एन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सी एन जो है वो इसका मीडियन है, यानी कि मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ए एम और बी एम दोनों इक्वल है, तो ए एम क्या है, ए एम ए बी का हाफ है और बी एम वो भी ए बी का हाफ है, तो मैं AB के हाफ को AM लिख दूं, क्योंकि मुझे ट्रायंगल AMC में AM की जरूरत पड़ेगी, बताइए AB के हाफ को मैं AM लिख सकता हूं, बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर, यस सर, यस सर। बाकी बच्चे बताइए, समझ रहे हैं, मैं AB के हाफ को AM लिख सकता हूं, ये समझ में आता है? यस विदित, समझ रहे हो? यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए, तो AB के हाफ को मैंने लिख दिया AM, इसी तरह से ये जो PQ का हाफ है इसे मैं QM भी लिख सकता हूँ, PM भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं तो PN लिखूंगा क्योंकि ट्राइंगल PNR मेरे को चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा PN
is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. अब आप देखो मुझे इसमें कौन कौन से रेशो की जरूरत पड़ेगी. देखो AM upon PN एक तो ये मिल गया इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का. दूसरा BC और QR वो AMC में लाई नहीं करता BC. सिमिलरली जो QR है वो PNR में लाई नहीं करता. तो मेरे लिए ये किसी काम का नहीं है ये वाला, इसको छोड़ दो. लेकिन अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ AC upon PR, तो ये AC है और ये PR है, तो ये मेरे काम का है. मैंने इन दोनों को ले लिया, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा AM upon PN is equal to AC upon PR. अब आप क्या करो, अब आप ये दोनों एंगल्स देखो AM और AC, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं हम इनकी बात करते हैं. तो AM और AC ये कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है. देखो AM है और ये AC है, तो इन दोनों के बीच का एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये है एंगल A, जिसको मैं BAC कह सकता हूं, मतलब ये वाला इक्वेशन नंबर टू. इसी तरह से PN और PR के बीच की बात करते हैं, PN और PR के बीच की बात करेंगे तो यह है एंगल P, जो इक्वेशन टू में दे रखा है एंगल QPR. तो हम ये कहेंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR. रीजन में लिख दो फ्रॉम सेकंड. और अब आप समझ गए होंगे बात कर दी. आप ये देखोगे AM और AC के बीच का एंगल है A, AM और AC के बीच का एंगल है A, और इसी तरह से PN और PR, PN और PR के बीच का एंगल है P. तो ये A और P ये दोनों एंगल इक्वल है, तो साइड्स का रेशो और उनके बीच वाला एंगल वो जब इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो भाई ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कुछ बोल रहे हो. हाँ बोलो सर. वो ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लीज बता दीजिए कैसे हो गया. ये दे रखा है ना यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर. और ये कैसे आया, क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर. तो इसमें पहली पोजिशन वाला क्या है एंगल ए, इधर पहली पोजिशन वाला अल्फाबेट क्या है पी, तो यानी कि एंगल पी. तो ए बी सी के एंगल ए को मैं क्या लिखूंगा बी ए सी, मतलब ए को बीच में लिख लेंगे. ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए इसको मैं लिखूंगा क्या बी ए सी लिखूंगा ना, तो एंगल बी ए सी. इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल पी को क्या लिखूंगा क्यू पी आर, या आर पी क्यू लिख दो, बस पी बीच में आना चाहिए. समझ गए. यस सर यस सर थैंक यू. बेटा बाकी बच्चे बता दीजिए, अमन दिशा दिव्यांशी समझ गए ना. यस सर समझ गए. ठीक है जी, तो हम ये कहेंगे कि सिमिलैरिटी ऐसे या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया. तो एंगल तो देखो एक ही दे रखा है लेकिन साइड्स का रेशो ऐसे दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे. आप ये देखो AM और AC में कॉमन क्या है, AM और AC में कॉमन है A, तो A को बीच में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा MA और ये हो जाएगा AC, दोनों को कंबाइन करके लिख दो. ट्राइंगल MAC लिख दो इज सिमिलर टू PN और PR में कॉमन क्या P, तो इसको पलट कर लिखेंगे NP, NP और PR को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा NPR, ट्राइंगल NPR. और लेकिन ये तो प्रूव करने के लिए नहीं बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, तो बोला था कि AMC और PNR को सिमिलर प्रूव करिए. तो AMC कैसे, AMC अगर इसको बनाऊं तो मतलब मैं A को पहली पोजीशन पर ले आऊंगा और M को दूसरी पर, मतलब AM को MA को पलटना है, MA को पलट कर AM कर दो. तो जब मैंने पहला और दूसरा अल्फाबेट पलट दिया तो इसका भी पहला और दूसरा अल्फाबेट पलटूंगा. और ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू, इसका भी पहला और दूसरा अल्फाबेट पलट दो, तो ये क्या हो गया ट्राइंगल PNR. बताओ बेटा क्लियर. तो जो सीक्वेंस वो चाह रहे हैं वो सीक्वेंस ये हमने लिख दिया है यहां पर. और इससे जब हम दो हमारे पास ट्राइंगल आ गए सिमिलर प्रूफ हो गए,
उनका सीक्वेंस अगर मैं सेम तरीके से चेंज करता हूँ तो वो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। आप देखो मैंने पहला और दूसरा अल्फाबेट बदल दिया पहले ट्राइंगल में, तो इसका भी पहला और दूसरा अल्फाबेट बदलूंगा, दूसरा और तीसरा नहीं, पहला और तीसरा नहीं। जब इसका पहला और दूसरा बदला है ताकि ए एम सी बन जाए, तो इसका भी पहला और दूसरा ही बदलूंगा, तो ऑटोमेटिकली पी एन आर बन जाए। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड है, मुझे प्रूव करना है सी एम अपॉन आर एम सेकेंड पार्ट में है टू प्रूव सी एम अपॉन आर एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। CN और RN, ठीक है, और ये बोल रहा है AB और PQ, ठीक है, हो जाएगा। Since we have proved in part first, लिखे हैं, that triangle AMC is similar to triangle PNR. Triangle AMC is similar to triangle PNR. तो यहां पर जैसे ये AMC है triangle और ये PNR similar है, तो मैं क्या कहूंगा, इनका ratio ले लो, पहला दूसरा alphabet AM, पहला दूसरा alphabet PN, दूसरा तीसरा alphabet MC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट एनआर, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट एसी, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट पीआर। अब जो प्रूफ है ना, प्रूफ में मुझे एबी और पीक्यू चाहिए। अभी एबी जो है वो क्या है, वो पूरा बड़ी साइन है, तो वो एम का डबल है, तो एम में टू मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ एम। अभी जब ऊपर टू मल्टीप्लाई करा तो भाई नीचे भी करना पड़ेगा, तो ट्वाइस ऑफ पी एन। MC को पलट कर CM लिख सकते हैं, ऐसे ही NR को पलट कर RN लिख सकते हैं, और ये तीसरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो AM का डबल, AM का डबल क्या हो गया, AB, और PN, PN का डबल क्या हो गया, PQ is equal to CM upon RN। ये हो गया प्रूफ, बताइए क्लियर है? Yes, sir. आप ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे कि अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको वो प्रूव करवा रहे हैं उसकी हेल्प से सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है, ट्रायंगल का चैप्टर हो चाहे सर्कल्स का हो, जो भी प्रूविंग वाले चैप्टर्स हैं वहां पर यही होगा। आप देखिएगा जब प्रैक्टिस करोगे तो। अब मैं आगे देखता हूँ इसका थर्ड पार्ट जो है। थर्ड पार्ट में टू प्रूव ट्राइंगल सीएमबी, टू प्रूव ट्राइंगल सीएमबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, ट्राइंगल आर एन क्यू जी, ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग?
थर्ड पार्ट ये सर कर लेंगे, एक बार ट्राई करो इसको, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए, कहीं अटक फिगर आर सिमिलर। तो यहाँ पर इन्होंने ना 6 अलग अलग फिगर्स दे रखी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और फिर इन्होंने पूछा है आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, इन द सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए कैसे करूंगा, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर, और ये दे रखा है 60 80 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 80 40, PQR फिर से 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, समझ गए? है ना, यही सीक्वेंस है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट जो दे रखा है इसका, इसी क्वेश्चन में एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल ये है, इधर है ए इधर बी इधर सी, है पी क्यू आर 2 3 2.5, ये है 2, ये है 3, ये है 2.5, इधर है 6, इधर है 4 और इधर है 5। तो आप ये देखो ए बी का डबल दे रखा है क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, AB है 2 और QR है 4, तो 2 1 2 2 2 4 1 upon 2। BC का डबल दे रखा है PR, BC दे रखा है 2.5 और PR दे रखा है 5 1 upon 2, और AC का डबल दे रखा है PQ, AC upon PQ, तो 3 upon 6, 3 1 2 1 upon 2, ये हो गया। तो ये जो तीनों रेशियो हैं ये 1 upon 2 आ गए, इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बताओ जी, समझे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर।
हाँ लेकिन सीक्वेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो सीक्वेंस देख लो इसका। देखिए ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2। तो आप सीक्वेंस देखिए, अगर ए बी और बी सी बस कोई दो ले लो, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आर कॉमन है, तो आर को इधर कर लो, तो ट्राइंगल क्यू आर पी, समझ गए। एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर लिखने की जरूरत नहीं है, एबीसी सिमिलर टू क्यू आर पी, क्लियर है। यस सर। इसके बाद ये 6.3 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, इतना करिएगा, बाकी नेक्स्ट कल कराता हूँ, ठीक है। ओके सर।